आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। बहुत खुशी हुई और बुजुर्ग हैं, सत्कारित बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इसका मतलब आप 17 तारीख को एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश। ये संकेत मिलते हैं जब लोग खुद घरों से बाहर आते हैं, मकानों से, दुकानों से बाहर निकलना इस बात का संकेत होता है कि हम एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं। अब तक 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, कोई नतीजा नहीं निकला। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। बहुत बड़ा पढ़ाई में, स्वास्थ्य में फर्क है। ये फर्क मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई के नेताओं के बच्चे ही आगे इलेक्शन लड़ते हैं, नेताओं के बच्चे ही चेयरमैन बनते हैं। आम आदमी के बच्चों को चेयरमैन कौन बनाएगा? तो उसके लिए आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी ने आम लोगों के बच्चों को चेयरमैन, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया। ये आपका जुनून है। जहां भी जाते हैं भीड़ उमड़ती है और ये इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश के लोग दिल्ली और पंजाब की तरह एक नए जुनून में है, नए जज्बे में, नए जोश में है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने स्कूल अच्छे कर दिए। एक जज का बेटा, एक कलेक्टर का बेटा और एक रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ने लग गए। एक ही किताब उनके पास, एक ही सिलेबस उनका। अस्पताल अच्छे कर दिए। जहां अमीरों का इलाज होता था वहीं गरीबों का भी होता है, फ्री में होता है। ऐसे ही हम पंजाब में कर रहे हैं। अब तक पंजाब में 37,100 नौकरियां, सरकारी नौकरियां डेढ़ साल में, नियुक्ति पत्र बांट कर आपके सामने खड़ा हूं, 596 कल जाके दूंगा। कल जाके 10 तारीख को 596 नई नौकरियां दूंगा। बहुत से घरों में इस बार दीपावली का जो चिराग है, मैं पहले यही काम करता था। बिसल करता है। दीपावली के जो दिए हैं लाखों घरों में तंदुरुस्ती के, तरक्की के, चानन लेके आएंगे, रोशनी लेके आएंगे। ये आम आदमी पार्टी है। मैं आपको ये बहुत बताना चाहता हूं, जब 17 तारीख को जाओगे, बटन हमारा, हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनका बटन 2 नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। सीधा जाके 2 नंबर वाला बटन दबा देना। 1, 3, 5, 7, 8 मत देखना, आंखों को मोतिया भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने 70 साल ही लूटा इन दूसरे बटन वालों ने। बटन बदल लो अगर किस्मत बदलनी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आओ इकट्ठे होकर एक दरिया बन जाएं, आओ इकट्ठे होकर सैलाब बन जाएं, एक दरिया बन जाएं। और दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, दरिया का कोई किनारा नहीं होता। तो इकट्ठे होकर झाड़ू का बटन दबाना है और दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, मुझे पता चल जाएगा। इनकलाब। देखिए यहां बीजेपी वाले भी आए होंगे, 5-7 तो आते हैं बेचारे, उनको भेजा जाता है कि देखना क्या बोला भगवंत मान, केजरीवाल ने क्या बयान दिया, तो फिर वो बताएंगे। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाएगा कि नारे कितनी जोर की लग रहे थे, तो वो ये कहें
कि जी ये पूछने की क्या बात है, आपके घर पे भी तो सुन रहे होंगे, इतना जोर से लगाने हैं, इतना जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलर इनकलर भारत माता की जय जवान बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मान इज्जत दिया और कभी भूलूंगा नहीं, बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देश के क्रांतिकारी नेता जिन्होंने राजनीति की दशा और दिशा चेंज करके रख दी, बदल के रख दी, बड़े बड़े जो दिग्गज कहते थे उनको जमीन दिखा दी, धरती दिखा दी, मेरी मुराद है अरविंद केजरीवाल साहब, वो आपके सामने अपने विचार रखें। भारत माता की इनकलाब वंदे। आज यहाँ पे आई लव यू टू, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी देशभक्त लोगों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि केवल 10 साल के अंदर एक आदमी को एमएलए बनने में जिंदगी बीत जाती है, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं। केवल 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बन गई, दिल्ली में सरकार बन गई, पंजाब में सरकार बन गई, गुजरात में 5 एमएलए बन गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए, अब मध्य प्रदेश। इतनी तेजी से आम आदमी पार्टी क्यों बढ़ रही है, ऐसी क्या खासियत है आम आदमी पार्टी में? सोचने की बात है, ईमानदारी, ईमानदारी। 75 साल में जो काम दूसरी पार्टियों ने नहीं किए वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाए हैं। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार बना दिए, सरकारी स्कूल, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूं, इंजीनियर हूं, सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां एडमिशन लेने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता है। आज मेरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों का वहां एडमिशन हो रहा है, गरीबों के बच्चों का, रिक्शे वालों के बच्चों का। जो शिक्षा मेरे को मिली है वही शिक्षा मैं अपने गरीबों के बच्चों को दिलवा रहा हूं। डॉक्टर बन रहे हैं जी, भाई साहब गरीबी कैसे दूर होगी, ये नारे लगाने से दूर नहीं होगी। अगर मैंने सारे गरीबों के बच्चों को पढ़ा दिया, अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी सबके। आम आदमी पार्टी अच्छे स्कूल बना रही है, अच्छे अस्पताल बना रही है। दिल्ली में सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने, सरकारी अस्पतालों को एयर कंडीशन बना दिया, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा कुछ मुफ्त कर दिया सबके लिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। कैसे 75 साल में इन पार्टियों ने नहीं किया, हमने कैसे कर दिया? ये 24 घंटे अपना घर भरने में लगे रहते थे, हम 24 घंटे जनता का काम करने में लगे रहते हैं। हम पैसे नहीं कमाते, हम एक एक पैसा जनता पे खर्च करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये मध्य प्रदेश में कहते हैं सरकार घाटे में चल रही है, सरकार घाटे में चल रही है। अरे क्यों सरकार घाटे में चल रही है, कहां गया सारा पैसा? दिल्ली में भी पहले कहते थे सरकार घाटे में चल रही है, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं सरकार नफे में चल रही है। मैं नहीं कह रहा, सीएजी कह रहा है, सरकार नफे में चल रही है दिल्ली की, एक बार भी घाटा नहीं हुआ, सब कुछ सहूलियत दे दी मैंने। पंजाब में अभी मुख्यमंत्री बने हैं ये, 1.5 साल भी नहीं हुआ, पंजाब में सबकी बिजली मुफ्त कर दी इन्होंने, दिल्ली में सबकी बिजली मुफ्त कर दी हमने। मेरे को पता चला यहाँ पे सेवड़ा विधानसभा में खूब बिजली के पावर कट लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? दिल्ली में 24 घंटे, दिल्ली में भी पहले 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी, दिन दिन में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है। पंजाब में भी पहले बिजली जाया करती थी, अब 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है।
आपको भी अगर बिजली चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, आज मैं आपके बीच में आके ये कहने के लिए आया हूँ, मेरे को वोट दे दो, मैं आपके बच्चों के स्कूल में अच्छे अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दूंगा, अच्छी शिक्षा का, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। और अगर भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, तो उनको वोट दे देना, मेरे को वोट देने की जरूरत नहीं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। मेरे को अगर आपको गंदी राजनीति चाहिए, करप्शन चाहिए, एक और व्यापम स्कैम हुआ था ना यहाँ पे, व्यापम घोटाले चाहिए, तो इन लोगों को वोट दे देना, वो हमसे नहीं होते। अगर आपने बच्चों की चिंता है आपको, तो मेरे को वोट दे देना। संजय दुबे जी यहां से आपके उम्मीदवार हैं, इनके बेटे पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य हैं, मुझे पता चला का बहुत मेहनत करते हैं। यहां पे आपकी बिजली की समस्या है, बिजली कटौती की, उसका हम निवारण करेंगे। इसके अलावा मुझे पता चला कि इंदरगढ़ का जो नाला है, उस नाले पे कुछ नेताओं ने कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से बारिशों के दिनों में पूरे इलाके में पानी भर जाता है, घरों में पानी आ जाता है। उस कब्जे को छुड़वाएंगे और आपकी जिंदगी को सरल बनाएंगे। और तीसरा मुझे पता चला कि कई सारे पुल टूटे पड़े हैं जो शहर से जोड़ते हैं आपके इलाके को, उनको भी ठीक करेंगे। और भी बहुत समस्याएं हैं आपकी, ईमानदार पार्टी को वोट दो, अच्छी पार्टी को वोट दो। पहले आपके पास विकल्प नहीं था, एक बार ये पार्टी, एक बार वो पार्टी, इस बार विकल्प आ गया। दिल्ली के लोगों ने अपनी जिंदगी सुधार ली, पंजाब के लोगों ने अपनी जिंदगी सुधार ली, आपकी जिंदगी आपके हाथ में, चाबी आपके हाथ में, झाड़ू का बटन दबा देना, आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी। भारत माता की। धन्यवाद आप सभी को, बहुत, बहुत।